हम जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री शेयर को लेकर। अब इससे पहले कि मैं आपकी रिकमेंडेशन लूँ, कुछ सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शक जानना चाह रहे हैं कि लगातार 2400 के पास इस साल हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और जो साल की शुरुआत में 2600 के आसपास का हाइस छुआ उसके बाद से लगातार डाउन ट्रेंड ही है। तो व्यूअर्स यही जानना चाह रहे थे कि अब करना क्या है इसमें। देखिए, नई पोजीशन अभी ना जिन्होंने लिया है वो तो बिल्कुल होल्ड ही रखेंगे, लेकिन अगर कोई नई पोजीशन लेना चाहता है ये सोच के कि काफी टूट गया तो वो अभी ना ले। मेरे हिसाब से और अच्छे हमें मौके यहाँ पे मिलेंगे तकरीबन 2290 के आसपास, तब नई पोजीशन के लिए। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। उसमें जो स्टॉप लॉस आएगा वो तकरीबन 2180 का आएगा। 2180 के स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग होल्डर्स इसे कंटिन्यू करें, और नई पोजिशन किसी को करनी है तो वो 2290 के जोन में। वेरी वेल।